गुवाहाटी हाईकोर्ट ने दो अलग धर्मों के शादी से जुड़ा एक अहम फैसला सुनाया है। दरअसल दीपा मनी कलिता नाम की एक महिला जो सहाबुद्दीन अहमद नामक व्यक्ति की दूसरी बीवी थी, वो गुवाहाटी हाईकोर्ट में एक याचिका लेकर पहुंची थी। सहाबुद्दीन अहमद की 2017 में एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है और उनकी दूसरी पत्नी दीपा मनी कलिता ने गुवाहाटी हाईकोर्ट में याचिका दायर करके कहा कि उन्हें उनके पति का पेंशन मिलना चाहिए। दीपा मनी कलिता का एक 12 वर्ष का बच्चा भी है। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि दीपा मनी कलिता और मृतक शहाबुद्दीन अहमद की दूसरी शादी कानूनी तौर पर वैलिड नहीं है, क्योंकि इन दो अलग अलग धर्मों के व्यक्ति की शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हुई है। कोर्ट ने कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट का सेक्शन 4 कहता है कि दो लोगों के बीच शादी होने के समय किसी भी एक व्यक्ति का बच्चा नहीं होना चाहिए, लेकिन जिस समय दीपा मनी कलिता और उनके मृत पति की दूसरी शादी हुई थी उस समय उनका एक बच्चा भी था, इसीलिए ये दूसरी शादी कानूनी रूप से मान्य नहीं होगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि मोहम्मदन लॉ के हिसाब से एक मुस्लिम पुरुष किसी मूर्ति पूजक के साथ शादी नहीं कर सकता है। अगर वो ऐसा करता है तो उसके शादी को जायज नहीं माना जाएगा। हालांकि गुवाहाटी हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि दीपा मनी कलिता का जो 12 वर्ष का बच्चा है वो अपने मृत पिता के पेंशन का कुछ हिस्सा ले सकता है। और अधिक खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए ईस्ट न्यूज़। हमारे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पेज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि कोरोना वायरस इस समय देश भर में कम हुआ है मगर ख़त्म नहीं हुआ है, और इसीलिए आवश्यकता है कि आप जल्दी जल्दी से वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुँचें। अगर आपने वैक्सीन नहीं ली है तो वैक्सीन की डोज लें। अपने आप को और अपने परिवार को इस खतरनाक महामारी से सुरक्षित रखें। अगर आपके आसपास भी कोई लोग हैं जिन्होंने कोविड-19 की वैक्सीन नहीं ली है तो उन्हें भी वैक्सीन लेने को कहें, ताकि भारत कोरोना वायरस के खिलाफ एक मजबूती के साथ युद्ध लड़ सके। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन।